नमस्कार साथियों, जय हिंद। एक बहुत बड़ी अपडेट है जो आपको ज़रूर जाननी है, खासकर डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यह अपडेट कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देखते हैं तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि सरकार ने एक ऐसा नया नियम लाया है जो कि डायरेक्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट पर असर करेगा और उनको प्रभावित करेगा, और हो सकता है कि उनको परेशानियों का सामना करना पड़े जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी छात्र हैं जो कि कॉलेज नहीं जाते हैं। क्योंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी में अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि कॉलेज जो है अपने छात्र जो हैं अपने कॉलेज नहीं जा रहे हैं और फिर भी उनको छात्रवृत्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं कि पूरी डिटेल में इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसा कि आप इसके न्यूज़ के हेडिंग में देख सकते हैं कि छात्रवृत्ति फर्जीवाड़ा रोकने को आधार आधारित हाजिरी होगी, यानी कि जो स्कॉलरशिप मिलती है टेक्निकल एजुकेशन में स्टूडेंट्स को, अब क्या होगा कि बायोमेट्रिक के आधार पर आधार से आपका अटेंडेंस होगा, उसी के बारे में ये पूरा न्यूज है। चलिए जानते हैं विस्तार से। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से संचालित छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब आधार आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य करने की तैयारी चल रही है। शासन स्तर पर समीक्षा के बाद सभी जिलों में ऐसी संस्थाओं की सूची मांगी गई है जिनमें अभी तक बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था नहीं की गई है। कक्षा 9 से लेकर उच्चतर शिक्षा तक के प्रदेश में संचालित सभी शासकीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त वित्त विहीन विद्यालयों में पढ़ने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर के विद्यार्थियों को वार्षिक आय के आधार पर इस योजना का लाभ मिलता है। इसमें छात्र के माता पिता और अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभी तक केवल यही अनिवार्य था कि छात्र का बैंक खाता आधार सीडेड हो तथा मोबाइल नंबर आधार लिंक हो। पात्र छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रबंधन प्रणाली वेबसाइट scholarship.up.government.in पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता था। साथ ही अंतिम रूप से सबमिट आवेदन के प्रिंटआउट के साथ आय जाति आधार व आधार सीडेड बैंक खाते का विवरण एवं शैक्षणिक अभिलेख शिक्षण संस्थान में जमा करना होता था। अब इसमें बायोमेट्रिक हाजिरी की शर्त भी जोड़ी जाएगी। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अन्य शर्तों के साथ बायोमेट्रिक हाजिरी की रिपोर्ट देखने के बाद ही आवेदन को ऑनलाइन अग्रसारित करेंगे। शासन के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय ने दसमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत समूह एक के पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत और आवेदन करने वाले छात्रों की शैक्षणिक सत्र 2024-25 के संदर्भ में बायोमेट्रिक हाजिरी का फेसियल आधार ऑथेंटिकेशन की समीक्षा शुरू की है। इसके साथ साथ पूछा गया है कि किन किन संस्थानों में ये व्यवस्था नहीं है, तो बायोमेट्रिक हाजिरी से संबंधित कार्यवाही की जिम्मेदारी श्री टान इंडिया को सौंपी गई है। निदेशालय ने सभी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों से यह जानकारी मांगी है कि जिला स्तर पर कुल कितने संस्थानों ने अभी तक बायोमेट्रिक हाजिरी की शुरुआत नहीं की है, ये सूचना कारण सहित मांगी गई है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक हम लोग नए अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।